हुंडई क्रेटा को भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हुंडई क्रेटा को इस साल की शुरुआत में एक जनरेशन अपडेट मिला है। मिड साइज एसयूवी का नए जनरेशन मॉडल पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसे थोड़े बड़े वाहनों के साथ भी उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हुंडई इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्रेटा का 7 सीटर वर्जन बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। कार के कैमोफ्लेज टेस्ट मॉडल को कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। टेस्टिंग मॉडल को देखकर उम्मीद की जा रही है कि 7 सीटर में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, पीछे की तरफ फ्लैटर रूफ, एडिशनल रियर क्वार्टर, रीडिजाइन सी पिलर और साथ ही एक बड़ा रियर ओवरहैंग मिलेगा। इसके अलावा इस 3-रो एक्सयूवी में रीडिजाइन टेल लैंप भी देखने को मिलेंगे। अतिरिक्त सीटों के अलावा केबिन लेआउट 5 सीटर क्रेटा की तुलना में नई क्रेटा का काफी हद तक लुक मौजूदा क्रेटा के जैसा ही रहने की उम्मीद है। वहीं अगर पावर की बात की जाए तो 7 सीटर हुंडई क्रेटा को 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। डीजल इंजन को 6 स्पीड MT और 6 स्पीड AT के साथ पेश किया जाएगा, जबकि टर्बो पेट्रोल यूनिट को स्टैंडर्ड 7 स्पीड DCT के साथ पेश किया जा सकता है। जहां तक बात कीमत की जाए तो वर्तमान में 5 सीटर हुंडई क्रेटा की एक्स शोरूम कीमत 9.81 लाख रुपए से लेकर 17.31 लाख रुपए के बीच बेची जा रही है। हालांकि इसका 7 सीटर वर्जन मौजूदा मॉडल से लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा महंगा हो सकता है। बात अगर दूसरी SUVs के साथ मुकाबले की जाए तो 7 सीटर क्रेटा का मुकाबला बाजार में पहले से मौजूद MG Hector Plus और अपकमिंग टाटा ग्रेविटास के साथ देखने को मिलेगा।